बांदा के पचोखर गांव की रहने वाली पीड़ित सुमित्रा वर्मा ने सुशील पंडित को 14,000 रुपए दरवाजा बनाने के लिए 8 महीने पहले दिए थे। अभी तक उसे सुशील पंडित ने ना तो पैसे वापस दिए और ना ही दरवाजा बनाकर दिया, जो कि पुनाहुर का रहने वाला है। महिला ने थाना अतर्रा में अप्लीकेशन दिया था 10-12-2021 को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब पीड़ित पैसे मांगने सुशील पंडित के पास जाती है तो महिला को गाली गलौज करके भगा देता है। आर केतना से न्यूज रिपोर्टर अजय बाबू की रिपोर्ट। ललता कहाँ से हैं? पचोखर से। कोतवाली कौन सी लगती है? अतर्रा। क्या हुआ मैटर आपके साथ? ये दरवाजे को पैसा दिया हूँ 14,000। किसको दिया? सुशील को। कौन है सुशील? ये बामन है। बामन कहाँ का है? ये वहाँ का है, नाहौर का। तो क्या कह रहा है वो? ये कहता है मैं पैसा नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? गाड़ी दे रहा है, कहता है मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तेरी देती छेड़ूंगा, बच्चे को गाड़ी दे रहा है, मेरे को गाड़ी दे रहा है। अच्छा, तो पैसे देने के लिए क्यों नहीं बोल रहा? पैसे कहता है जो उखाड़ना उखाड़ लो, नहीं देंगे कहता है पैसे। दरवाजा बनवाने के लिए पैसे लिए और पैसे नहीं दे रहा? पैसे नहीं दे रहा, दो दरवाजे के लिए पैसे दिए हैं। अच्छा, तो 14,000 कब दिए थे? पैसे 14,000 दिया है, 8 महीना हो गए। तो आज तक पैसे ना तो दरवाजा दिया और ना पैसा वापस कर रहा? 7 दिन के लिए वादा लिए। तो कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी? हाँ किया है, एप्लीकेशन डाल रहे थे, तो यहाँ नहीं आए, कोई नहीं आया। अच्छा, तो कोई वहाँ से कोई कंस्टेबल नहीं है? हाँ कोई नहीं है। और वो लड़का कहाँ है जिसको पैसा दिया था आपने दरवाजा बनवाने के लिए? नहीं, भाग गया है। कहाँ गया? कहाँ? रोड पे दुकान खोल रखा है। अच्छा, पैसा मांगने जाते हैं तो गाली गुजवा करता है? पैसा मांगने जाते हैं, कल डंडी उठा के मारने को कहता था कि 3 बार पटकूंगा तेरी हर चीज़ में रोड में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा ललता।